हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोनिका और मेरे चैनल का नाम है कुकास ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं एक पार्टी मेकअप आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें कि मैंने डे मेकअप किया है, वो भी अफोर्डेबल और स्वेट प्रूफ मेकअप के साथ। तो वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर हिट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये मिस्ट है। इससे स्किन काफ़ी रिफ़्रेश हो जाती है और मॉइस्चराइज भी अच्छे से हो जाती है। इसके बाद मैं अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये हिप रोज सीरम है। इसका अलग सा रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसको मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया। इससे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है फेस पे, इसलिए मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। अब मैं मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ ओलिविया का पैन केक जो कि बहुत ही ज़्यादा मैट फिनिश देता है और काफ़ी स्वेट प्रूफ है, बिल्कुल भी इससे पसीना नहीं आता है। तो सबसे पहले मैंने उसे अपने आईज पे अप्लाई किया बिकॉज मैंने सबसे पहले आई शेडो अप्लाई करनी है। उसके बाद मैंने एक अपने लैक्मे के रोज़ पाउडर सेट कर लिया है। अब अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जेल आईलाइनर ब्राउन कलर का 7C का, उससे मैं अपने आईब्रोज़ फिल कर लूँगी। बिकॉज़ अगर आप पेंसिल या सिर्फ आई शेडो से अप्लाई करेंगे तो शायद वो निकल जाए। तो अब मैं अपने आई शेडो के लिए यूज़ कर रही हूँ LA कलर्स का आई शेडो पैलेट। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। तो इसमें से लाइट कलर ब्राउन, बिल्कुल लाइट कलर है, उसे लेके मैं अपनी क्रीज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। बिकॉज़ आप देख सकते हैं मेरी हुडेड आईज़ हैं, तो मुझे क्रीज़ अप्लाई करना ज़रूरी होता है, नहीं तो मेरी आईज़ और ज़्यादा छोटी लगेंगी। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए मैं अपनी क्रीज़ पे जो आई शेडो है वो ज़रूर अप्लाई करती हूँ। इसके बाद मैंने उससे थोड़ा सा डार्क कलर जो ब्राउन है उसे लेके बिल्कुल जहाँ पे आपके निशान बनता है इसका, बिल्कुल वहाँ पे अप्लाई करना है ताकि जो आपकी आईज़ है उसको थोड़ी सी डेप्थ मिले। अब इसको अप्लाई करने के बाद वहाँ पर एक पिंक सा कलर है, उसे लेके मैं बिल्कुल अपने कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाएगा तब तक मैं उसको अप्लाई करूँगी। वैसे मैं अपना मेकअप लाइट ही रख रही हूँ बिकॉज़ ये डे मेकअप लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ गोल्डन मेटालिक सा कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर, बिल्कुल भी चंकी नहीं है, इसे अप्लाई कर रही हूँ और बिल्कुल ही सॉफ्ट सा लुक दे रही हूँ अपने आईज़ को। तो मैंने इसे अपने फ्लैट ब्रश की मदद से अप्लाई कर लिया। आप चाहें तो अपने फिंगर से भी जो ग्लिटर कलर है उसको अप्लाई कर सकते हैं, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा आता है। अब दोबारा से जो पिंक कलर था उसको मैं बीच में उसके साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हुआ नज़र आए। अब वहाँ पे बिल्कुल ही शैम्पेन गोल्ड कलर का एक शिमरी कलर है, उसे लेके मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे आईज़ के अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो आईज़ हैं वो थोड़ी बड़ी लगे। और सेम वही वाला कलर लेके मैं अपने आईब्रोज़ के बिल्कुल ब्राउ बोन पे अप्लाई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप उसको फैलाकर अप्लाई करेंगे तो आईज़ आपकी और छोटी लगेंगी, अगर आपकी मेरी तरह आईज़ हैं तो। अब मैं आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैट लुक का अपना जेल आईलाइनर। गर्मी है इसलिए आप कोशिश कीजिए केक या जेल आईलाइनर यूज़ करने के लिए, क्योंकि लिक्विड आईलाइनर अगर पसीना आएगा तो निकल जाएगा। तो मैंने बिल्कुल हल्का सा विंग जो है ड्रॉ किया है, सेम उसी को लेकर मैं अपने वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी क्योंकि वो बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है। जेल आईलाइनर को आप एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपने मस्कारा आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ आईलैश कर्लर से और मैं अपने मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। इससे काफ़ी अच्छी लेंथ मिलती है आपके आईलैशेस को। इसके बाद आप देख सकते हैं आईलैशेस काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब मैं अपने फेस को प्राइम करने के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 ऑयल फ्री प्राइमर है, इसे मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। अगर आप गर्मियों में मेकअप कर रहे हैं तो प्राइमर ज़रूर यूज़ कीजिए। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अब स्पॉन्ज को मैंने गीला कर लिया है क्योंकि पैन केक यूज़ कर रही हूँ, तो आपको पता ही होगा कि पैन केक जो है वो हमेशा स्पॉन्ज से ही अप्लाई होता है, उसको गीला करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ब्रश से आप पैन केक को यूज़ नहीं कर सकते। आप कोई किसी भी तरह का स्पंज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ब्यूटी ब्लेंडर है यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ पूना स्टोर का, काफ़ी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है और अफोर्डेबल है। अगर आप चाहें तो इसको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। इसे अच्छे से मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। वैसे तो ये जो पैनकेक है काफ़ी ड्राई लुक देता है, लेकिन फिर भी अपने फेस को आप सिक्योर करने के लिए एक बार जो लूज़ पाउडर है उससे आप ज़रूर अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए।
अब सिवाना का जो कंटूर ब्रॉन्जर और हाइलाइटर पैलेट है उसमें से कंटूर शेड लेके मैं अपने नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ, ताकि जो मेरा नोज़ है वो पतला लगे। अपने फेस की भी कंटूरिंग मैं उसी से कर रही हूँ, और यूज़ किया है मैंने ब्रश पूना स्टोर का कंटूरिंग वाला। इसके ब्रशेस भी बहुत अच्छे हैं, मैं ज़रूर उसका भी जो वीडियो है अपलोड एक बार ज़रूर करूँगी, जिसमें मैं उसके ब्रश और स्पॉन्ज के बारे में आपको बताऊँगी। ये काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छे प्रोडक्ट आते हैं पूना स्टोर के। तो आपको पता ही होगा कि मेकअप करने के बाद काफ़ी फेस जो भरा भरा लगता है, इसलिए कॉन्टोरिंग ज़रूर कर ले, ताकि आपका फेस जो है उसको एक कुछ शेप मिल जाए। अब मैं ब्लशर के लिए मैंने यूज़ किया है अपना फेवरेट लॉरियल का ब्लशर, बहुत ही हल्का पिंक कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर। अब मैं सिवाना का ही जो हाइलाइटर पैलेट है उसमें से हाइलाइटर लेके अपने एक छोटे ब्रश की मदद से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, जो हाईएस्ट जो फीचर्स हैं फेस के उसके ऊपर अप्लाई करूँगी, ताकि वो और उभर के नज़र आए। अपने क्यूपिड बो पे ज़रूर अप्लाई करें, उससे लिप्स की शेप बहुत अच्छी नज़र आती है। और अपनी चिन पे भी अप्लाई कर लिया है। अब सेम जो उसमें से पैलेट में से मैंने डार्क ब्राउन कलर लेके अपनी जो वाटर लाइन है उस पर अप्लाई कर लिया है, ताकि जो आईज़ हैं वो थोड़ी सी बड़ी लगे। अब मैंने अपने लिप्स के लिए यूज़ किया है पर्पल का लिप क्रेयॉन। इसका इन लिप क्रेयॉन्स की जो वीडियो है मैंने अलग से शेयर की हुई है रिव्यू अपने चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए कितना प्यारा कलर डार्क। अब मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। ज़रूर अपने गर्मियों में अपने फेस को फिक्स ज़रूर करना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा जो मेकअप है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस। तो टेक केयर, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, थैंक यू।